नहीं पड़ती। अतिथि को दिया जाने वाला 16 ग्रास का अन्न जिसमें 16 कौर बन सके, तो एक रोटी में 4 ग्रास बताए, तो कम से कम 4 रोटी ऐसा नियम बना लें गरीब दीन दुखियारों के लिए, 4 रोटी का अन्न रोज घर से निकले। ये बात आप पहली बार सुन रहे होंगे, मेरे लिए पहली बार नहीं है लेकिन हो सकता आपके लिए पहली बार हो। 4 रोटियों का जितना खर्चा होता है मूल्यांकन आप कर लें उसका, जरूरतमंद लोगों के लिए 16 ग्रास यानी 4 रोटी इतना अन्न निकलना ही चाहिए, तभी कल्याण होगा। यमदूत कहते हैं कि ये तुमने किया नहीं इसलिए हमारे हाथों से पिट रहे हो। भगवान हरि ईश्वर है, वही अपराध को क्षमा कर सकते हैं, वही समर्थ है, हम नहीं कर पाएंगे। हम तो उन्हीं की आज्ञा से तुम्हारी ठोकाई पिटाई कर रहे हैं। क्षमा अपराधम कुरुते भगवान हरिर ईश्वर, वही तुम्हारे अपराध को क्षमा कर सकते हैं। भयम दुषा अपराधानम दंड दाम ही तदाज्ञा, हम तो उनकी आज्ञा से ही तुम्हें दंड दे रहे हैं। तुम रोज चाहे गाओ, हम तुम्हारे ऊपर रहम बिल्कुल नहीं करेंगे। रुदन तेस्ते ततो धूर्ता मुख पायुर रे, यमदूत उस रोते हुए पापी के मुख में धूल भर देते हैं, उसके मुख में बाथरूम कर देते हैं, मूत्र विसर्जित कर देते हैं, वो पानी प्यास के मारे व्याकुल पानी मांगता है। कुछ पापियों को और अनेक प्रकार से बांध करके उनकी पीठ के ऊपर मुदगर बजाए जाते हैं। जो पुरुष पराई स्त्रियों से, जो स्त्रियां पराई पुरुषों से कुकर्म करते हैं, खौलते हुए पानी, खौलते हुए तेल के कड़ावे में उनके बोटी का एक एक टुकड़ा करके उसमें रांधा जाता है, ये पाप नहीं है, पाप का बाप है। कान में से रुई निकाल करके इस बात को सुन लेना, ठीक से सुन लेना। कहा गया जो अपराधी स्त्री और पुरुष को कर्म करते हैं, पराई स्त्री पराए पुरुष के साथ में गलत को कर्म करते हैं, ऐसे लोगों को तेल में खौलते हुए कड़ावे में उनके शरीर की बोटी की एक एक टुकड़ी करते हुए उसमें उसे रांधा जाता है। बहुत भारी कष्ट होता है, भारी तकलीफ होती है। शराब पीना, मांस खाना, व्यभिचार करना और रिश्वत लेना, ये पाप नहीं, ये पाप के बाप है। एक बार फिर और बोलूं, शराब पीना, मांस खाना, रिश्वत लेना, कुकर्म करना, व्यभिचार करना, ये कौन सा रह गया, कौन सा रह गया? एक पांच है, इसको पंच महापाप कहते हैं। एक बार कैसे छूट रहा है? एक नंबर, एक मदिरा, नंबर 2 मांस भक्षण, नंबर 3 व्यभिचार, नंबर 4 रिश्वत और नंबर 5 झूठी गवाही किसी के देना। ये 5 हैं, इसको पंच महापाप कहते हैं, इनसे हमेशा सावधान रहना, ऐसे बचने की कोशिश करना। कहीं इसको झूठी गवाही में और कहीं इसको चोरी में भी लिया गया है, तो ये 5 महापाप हैं, इनसे बचें। ईश्वर को प्रार्थना करें, भगवान हमसे ये 5 गलती ना हो। जो सदाचारी लोग हैं, चरित्रवान हैं, इनके दर्शन का फल हरि और हर के दर्शन का फल प्राप्त होता है। सब कथा समझ में आ रही है कि ऐसी ताली बजवा रहे हैं आपसे? ताली बजाओ नारायण भगवान के लिए, वो हमें सुधारने के लिए बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। पतना तस पत्र गात छेदो भवे तथा तान दह पति तान स्वानो भक्षयंती रुदंती। गिरते समय सेमरी के पेड़ होते हैं, वहां सेमर बड़ा खतरनाक पेड़ है, वृक्ष के पत्तों से उनका शरीर काटा जाता है। नीचे गिरे हुए उन पापियों को कुत्ते काट काट करके डाल देते हैं जो मांस का भक्षण करते हैं। पूरा जमीन में उसे गाड़ दिया जाता है, ऊपर दही छिड़का जाता है, फिर बोटी निकालते हैं। ये मांस खाने वाले लोगों के लिए बोटी निकालते हैं कुत्ते, जीव को भारी कष्ट होता है। शराब पीने वाले लोगों को वैतरणी नाम की नदी में फेंका जाता है,
जिसमें कीड़े बिलबिला रहे होते हैं, इसके शरीर को मार मार डंक चलनी कर देते हैं। इतना भारी कष्ट होता है। जितने भी शराबी पूरे देश में मुझे सुन पा रहे हैं भैया, बुरा नहीं मानिएगा, मैं आपके पक्ष में, यदि बच सको तो मेरे भाई साहब इससे बच लेना, नहीं तो ये शराब कबाड़ा कर देगी, मदरा खत्म कर देगी, छोड़ेगी नहीं। रुदंते स्ते ततो दूते मुखमा पूर्य रेणुवी, इन अपराधियों के मुंह में पहले धूल भर दी जाती है, ऊपर से मलमूत्र उनके मुख में भर दिया जाता है, और यह भारी कष्ट पाता है। पापिना के विभिधंते कृकचे काष्ठ बंदिदा, बहुतों को बीच में रखकर अगल बगल लकड़ियां जला करके और आग के मध्य में उसको डाला जाता है, उठाया जाता है, फिर फेंका जाता है, फिर उठाया जाता है। कुठारी खडसा कृता, कुठार कहते हैं कुलाड़ी को, कुलाड़ी से इधर देखो सुनो, इसके देह में कुलाड़ी से जैसे पेड़ काटा जाता है, इनको ऐसे ही काटा जाता है। हरदम खाता बटे के चे विद्यते मूर्धिसाए कई, जिन्होंने पंछियों को मारा खाया, ऐसे लोगों को वही पंछी चोंच के मारे बिल्कुल घायल कर देते हैं। भारी कष्ट होता है। किसी को कढ़ाई में खोलते हुए घी तेल की तरह उसको खोलाया जाता है, ऐसे चलाया जाता है जैसे उसमें क्या डालते हैं वो करछा, लिखा है ना, श्लोक नंबर है 52, अध्याय नंबर 5, अध्याय नंबर 3, श्लोक नंबर 52-52, लिखा है कि कढ़ाई में डाल करके उन्हें रांधा जाता है, जीव को भारी कष्ट होता है। तामिश्रो लो वशकुशा महारौरव सालमली रौरव कुंकमला काना सूत्र का पूति मृत्तिका संगातो लोई तो दैशा समिशम संप्रेत वातना, इन श्लोकों में उन नरकों का वर्णन किया है। तो 1,00,000 की बात यह है, खैर हमारे और आपके पास तो नरक नहीं आएंगे, इसलिए भी नहीं आएंगे क्योंकि आप गया जी में बैठे और शुभ कर्म कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, पहले गलती हो गई है तो गदाधर भगवान से माफी मांग लो, अब खाई सो खाई, आगे के लिए राम दुआई कहिए भगवान अनजान में गलती हो गई, अब यह गलती हम नहीं करेंगे, फल्गु मैया की कसम खाते हैं। तो भगवान इसी ग्रंथ में लिखा, गरुण भगवान कहते हैं कि मैं बड़ा भुलक्कड़ हूं, भक्त के सिगरे फिर उस साधक के अपराधों को मैं भूल जाता हूं, बस वो एक बार कह तो दे कि मुझसे गलती हो गई है, अब यह गलती हम कभी करेंगे नहीं, बस ऐसा वो भगवान को प्रार्थना कर दे। आइए अब मैं थोड़ा आपको श्रीमद् भागवत जी की कथा से जोड़ रहा हूं, लगभग 4:30 बजे तक आरती वगैरह सब पूरी हो जाएगी। जितना भी जन मुझे टेलीविजन पर आप सुन पा रहे हैं, तो आप तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर 7:30 बजे पितरों की आरती का आप दर्शन जरूर करें, बहुत आनंद होता है। आप गया जी में कहीं भी रुकें, 7:30 बजे इस परिसर में आइए और आरती का आनंद लाओ, प्राप्त कीजिए, बहुत आनंद होता है। ऐसा लगता है कि मृत्यु लोक में पितर उतर के आ जाते हैं, जैसे सावन के महीने में भगवान महादेव मृत्यु लोक में धरती पर उतर के आ जाते हैं, वैसे ही श्राद्ध के 16 दिन पितर लोक मृत्यु लोक में उतर के, पितृजन मित्र मृत्यु लोक में उतर के आ जाते हैं, उनके परिवार के लोगों के द्वारा उन्हें जो खाने पीने को मिलता है उससे वो भारी संतुष्ट होते हैं, उससे उन्हें बहुत खुशी मिलती है, भारी खुशी उन्हें मिलती है, वो गदगद होते हैं, आनंद होता है। भगवान गरुण देवता ने कहा था, प्रभु भजन करने का भी कोई समय है क्या? तो भगवान ने कहा, जब से समझदारी आ जाए तब से ही लोगों को मेरे चरणों में लग जाना चाहिए। जो भक्ति का साधना का आनंद जवानी में है, बुढ़ापे में तो जीभ फिसलती है, चला जाता नहीं है, लुढ़कते रहते हैं, नाक में बिल्कुल नाला बह रहा है, आंख में जाला लग गया, हाथ में लाठी से पाला पड़ गया, भजन होता नहीं। ग्रंथ तो ब्रह्म पुराण कहता है कि बूढ़े जब हो उससे पहले ही अपनी मुक्ति के पूरे साधन कर लेना चाहिए।
भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। 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 भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा
किसने देखा है बुढ़ापा किसने देखा है भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है तुम कर नहीं पाओगे हाथ से लोली हो जाओगे दान तुम कर नहीं पाओगे दान कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है जय हो बुढ़ापा किसने देखा जे बुढ़ापा किसने देखा जे बुढ़ापा किसने देखा जे भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा जे भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा जे भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा जे भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा जे भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा जे बुढ़ापा किसने देखा जे बुढ़ापा किसने देखा जे बुढ़ापा किसने देखा जे बुढ़ापा बोले भक्त वत्सल भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय। तो गरुण पुराण की को सार गर्भित बातें आज आपने श्राद्ध के द्वितीय श्राद्ध में आपने सुना। आज श्राद्ध द्वितीय तिथि का श्राद्ध है, रोज एक दिन पहले मैं आपको बोलता रहूंगा, कल तृतीय तीज है कल, और कल हमने श्राद्धों की महिमा बता रखी है। तृतीय के श्राद्ध का क्या महत्व है, द्वितीय के का क्या है। कल तो हमारा पूरा दिन ज्यादा तरह से श्राद्ध की महिमा के ऊपर ही बात निकली, और शायद आपको ध्यान रहा होगा तृतीया में क्या बताया गया था, वर्थार्थना तृतीयाम तु शत्रुनी पापनाशिनी। जिनकी बेटियां अकेली बिचारियों को बाहर जाना पड़ता है या बाहर रहती हैं हॉस्टलों में रहती हैं, तो बेटा बेटी की सुरक्षा के लिए ये तृतीया का श्राद्ध बड़ा अद्भुत है।
अपने घर में कीजिए, घर में नहीं हो पा रहा है तो आश्रम के नंबरों पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए। यहाँ कितना आनंद आता है, 12:30 बजे 12:15 बजे और यहाँ पर श्राद्ध एक संकल्प के साथ में पूरा पांडाल ब्राह्मणों से खचाखच भरा हुआ होता है। दोपहर के श्राद्ध के समय पर आप पधारिए, इनको जीमते हुए इनका दर्शन कीजिए। कल ही आप सुन रहे थे, ब्राह्मण भोजन कर रहा है और उस समय उसके होठों का दर्शन किया जाता है, जिस समय वो अन्न को चबा रहा होता है तो उसके मुखमंडल को देखने से ही हमारे पाप क्षीण होते हैं। उसके मुख का दर्शन में पूरा जब ये भोजन करते हैं, ऐसा नहीं है जो मैंने पढ़ लिया वो तुम्हें सुनाने के लिए, यहाँ पूरे पांडाल में एक एक ब्राह्मण के मुख के होठों को मैं देखता हूँ। तो ग्रंथ में लिखा है तो भोजन करते समय उनके मुखमंडल के दर्शन की बहुत बड़ी महिमा है। ग्रंथ में गरुण पुराण में लिखा है कि उसे भोजन के तत्पश्चात एक तुलसी पत्र दे दें तो संपूर्ण पितर है वो तृप्त हो जाते हैं। तो यहाँ ऐसा हो रहा है, ब्राह्मणों को दोपहर के समय में तुलसी पत्र दिया जा रहा है। ये आप भी अपने घर में, आपके घर पर यदि ब्राह्मण आते हैं भोजन करने के लिए तो उन्हें दक्षिण की तरफ मुख करके उन्हें भोजन कराइए, आनंद हो जाएगा। कल ऐसी तमाम बातें आपने सुनी है। कल मगा नक्षत्र में होने वाले श्राद्ध की बड़ी महिमा का वर्णन किया गया था। तो भले ही आपके यहां कोई तिथि नहीं पड़ती है, 29 सितंबर का मघा श्राद्ध है। अभी से मैंने आपको तारीख बता दी है तो उसमें चूक मत जाना, अपने पितरों के लिए ये सौभाग्य कमा लेना। आइए भागवत जी की चर्चा करते हैं। सनाशिव्यां श्रीमद् भागवती कथा। भागवत कथा को जरूर सुनिएगा। धुंधकारी ने भी अपने भाई के मुख से अपने कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत सुना। भागवत की बड़ी महात्म्यता है और श्राद्ध पितर पक्ष में तो बहुत ज्यादा महिमा है इसकी, इसलिए हर वर्ष आपको सुनाते हैं। यहाँ बहुत लोग हमें कहते हैं महाराज जी श्राद्धों में से पुराण एक बार सुना दो, श्राद्धों में एक बार रामकथा हमें सुना दो। पुराण सब अपनी अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन श्राद्ध के समय में भागवत जी की बहुत बड़ी महिमा है, बहुत बड़ा बात है। इसलिए तो हर साल आपके पूर्वजों के लिए भागवत की पोथी रखवाते हैं। बहुत बड़ा इसका महात्म्य है, इसको शब्दों में बांधा नहीं जा सकता, इतनी बड़ी महिमा है। बच्चे तो माता पिता को भागवत सुनाने से उनके ऋण से मुक्त हो जाते हैं, इतना बड़ा महात्म्य है भागवत जी का। भागवत महारानी पापियों के पाप को यह तार तारती, भागवत भगवान की है आरती। भागवत जी मेरे इष्ट हैं, मैंने भागवत जी को अपना इष्ट माना है और भागवत के प्रति मेरी अपार श्रद्धा है। अतिशयोक्ति नहीं है, मैंने 27 दिन पानी में डूब कर यमुना मैया जी को भागवत जी सुनाई है, पानी में यहां तक गले तक बैठ करके एक एक पन्ने का संस्कृत में एक एक श्लोक माँ यमुना को, यमुना माँ बड़ी खुश होती। एक बार मैं मथुरा वाले पूज्य श्रीजी बाबा की कथा में बैठा था, मैं वक्ता से पहले श्रोता हूँ, आज भी मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, मैं संतों को अच्छे कथावाचकों को मैं सुनता रहता। तो मेरा विद्यार्थी काल था, कथाएं शुरू हो गई थी तो उनकी कथा में सुन रहा था। साधु बेला और वो छठी करा रोड पर ही आश्रम पड़ता है उधर के, यदि आप वृंदावन जाते हैं तो आपको पता होगा राम जीवाई सत्संग भवन के ठीक सामने से सड़क गई, थोड़ा आगे चलेंगे तो बाएं हाथ पर है साधु बेला, उसमें उनकी कथा चल रही थी। गर्मियों का टाइम था, श्री जी बाबा बहुत अच्छे वक्ता थे, उन्होंने ब्रज में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, आज वो दुनिया में नहीं है, मैं उन्हें भगवान की तरह मानता हूँ, बहुत अच्छे महापुरुष अच्छे महात्मा पूज्य श्री जी बाबा। तो कहते थे जैसे माँ अपने बच्चों से बहुत स्नेह प्रेम करती है, यमुना मैया को भागवत जी सुनाने से यमुना मैया अपने बच्चों के ऊपर बड़ा लाड करती है, यानी हम बच्चों के ऊपर वो बड़ी कृपा करती है, बड़ा दुलार करती है, और जिसके ऊपर यमुना प्रसन्न होती है उसके ऊपर गोविंद कृष्ण अति प्रसन्न होते हैं,
कि यमराज तो प्रसन्न होता है, यमुना का भाई है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण अति प्रसन्न होते हैं। तो मैंने बाबा के मुंह से बात सुनी, तो मैंने एक 27 दिन का कोई अनुष्ठान किया था, जिसमें 7 दिन तो भागवत जी मैया जी को सुनाई और 20 दिन में और कुछ माता जी के किनारे पर कुछ एक दिव्य अनुष्ठान किया। मैं आज भी उसके परिणाम जानता हूं। जब से है अनुष्ठान हुआ है भैया, आनंद हो गया, पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ा। भागवत तो सिद्ध है, जो भागवत जी की शरण में आ जाए। सूर्य भगवान ने क्या कहा था उस धुंधकारी के उद्धार के लिए, क्या कहा था? श्रीमद भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। यदि कोई 7 दिन की भागवत सुन ले तो पुरखा मुक्त हो जाता है, अधोगति को प्राप्त हुआ वो अपने आप में मुक्त हो जाता है, उसका उद्धार आत्म कल्याण हो जाता है। पूर्वजों को भागवत सुना करके उनके खानदान के बच्चे माता पिता के ऋण से मुक्त हो जाते हैं, यह महिमा श्रीमद् भागवत जी की। आप बड़े भाग्यशाली हैं कि श्री गया जी की धरती पर आप अपने पुरखों के लिए भागवत सुन रहे हैं। तो सना से व्यां श्रीमद् भागवती कथा यस्यां श्रवण मात्रेण हरिचिंतं समाश्रयेत। इसके श्रवण मात्र से भगवान के चरणों में श्रद्धा टिक जाती है। इतनी बड़ी महिमा भागवत जी के, यस्यां श्रवण मात्रेण, इसके श्रवण मात्र से कल्याण होता है। ग्रंथो अष्टादश सहस्रो द्वादश स्कंद संहिता परीक्षद इच्छुक संवाद श्रणु भागवतम चत परीक्षता सुख संवाद परीक्षता सुख संवाद श्रणु भागवतम चत। परीक्षित और भगवान सुखदेव के संवाद को जो सुनेगा वह संसार से बिल्कुल मुक्त हो जाएगा। एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति। एक ऐसा श्रीमद् भागवत का ग्रंथ है जिसके घर में नित्य प्रतिदिन श्रीमद् भागवत की कथा होती है, वह घर साक्षात तीर्थ रूप हो जाता है, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अपने घर की पूजा की जगह पर एक छोटी सी भागवत पीले वस्त्र में लपेट करके रखिए, उस पर 5 तुलसी के पत्ते और कुछ फूल रोज चढ़ाइए, उनके ऊपर आनंद हो जाएगा। क्या मिलेगा? अश्वमेध सहस्त्राणी वाजपेयी शतानि च। ऐसा करने पर हजारों सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त होगा। कोई पैसा इसमें नहीं लगेगा, कि आप करके देखिए, बहुत आनंद होगा। हमने अपने गुरुजी के मुंह से सुना, बोलते हैं कि मैंने सालों साल भागवत जी के ऊपर नारायण 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 नारायण।
नारायण जो नाम लेते हैं पाप होई सब नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमद नारायण 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 श्रीमद नारायण 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 श्रीमद नारायण नारायण श्रीमद नारायण नारायण भागवत जी की पूजा होती है उसे हजारों सैकड़ों अश्वमेध और वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। तुलसी वन आश्रम ने बहुत घरों में भागवत जी भेजी है, उसे पीले वस्त्र में लपेट करके और जहां आपके भगवान का मंदिर है भले ही उसे अलमारी में रख दीजिए। जो आपके यहाँ 18 पुराण उपपुराण भेजे हैं इसको आप अपने पूजा के स्थान पर, जरूरी नहीं आप मंदिर में ही हो, एक अलमारी सजाइए वहीं पूजा घर के अगल बगल में कहीं, और इन सब ग्रंथों को वहां रख दीजिए, क्योंकि घर में ग्रंथों का होना बहुत ज्यादा शुभ है, बहुत ज्यादा विशेष है। क्या विशेष है? तद ग्रह तीर्थ रूप में ही वस्ताम पाप नाशनम, वो घर तीर्थ हो जाता है, उस घर में किसी भी प्रकार का पाप नहीं रहता। ना गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयागकम सुख शास्त्र कथायाश फलेन समताम नहि। घर में यदि आपने भागवत जी रखी है तो आपके घर में रोज गंगा जी, गया जी, काशी, पुष्कर और प्रयाग के सब आपके घर दौड़े दौड़े चल करके आते हैं, इतनी बड़ी महिमा भागवत जी की। और हमने बड़ी कोशिश की आप सबके घर में भागवत जी पहुंचाने के, क्या यूट्यूब पर लिख करके आप बता पाओगे कि भागवत आश्रम के माध्यम से कितने लोगों के घर गई है? पांडाल वाले भी हाथ उठाएं जिनके घर पुराण गए, भागवत गई, ग्रंथ गए, इतने हाथ ऊपर उठे। इनको वंदन पूजन करते रहिए, जैसे देवताओं के ऊपर आप रोज फूल पत्तियां चढ़ाते हो तो एक 5 तुलसी पत्र भागवत जी के ऊपर और कुछ फूल चढ़ाते रहिए। श्लोकार्धम श्लोक पादम मानितम भागवतोद्भवम पटस्व समुखेन दीक्षसि परम गतिम। यदि आपको परम गति की इच्छा है अपने मुख से श्रीमद् भागवत के आधा अथवा चौथाई श्लोक का नित्य नियम पूर्वक इसका पाठ कीजिए। एक श्लोक पढ़िए, आधा पढ़िए, चौथाई पढ़िए। वेदादि वेद माता च पौरुषम सूक्तमेव च त्रयी भागवतम चैव द्वादशाक्षरैव च। क्या कहा? ओमकार गायत्री पुरुषोक्त तीनों वेद श्रीमद् भागवत ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह द्वादशाक्षर मंत्र 12 मूर्तियों वाले सूर्य भगवान प्रयाग संवत्सरूप काल ब्राह्मण अग्निहोत्र गऊ द्वादशी तिथि तुलसी वसंत ऋतु और भगवान पुरुषोत्तम, इन सब में बुद्धिमान लोग वस्तुतः कोई अंतर नहीं मानते। एक बार और सुन लीजिए क्या क्या चीज है। ओमकार गायत्री मंत्र पुरुषोक्त वेद भागवत जी द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय गौ माता द्वादशी तिथि तुलसी बसंत ऋतु और भगवान जगन्नाथ, ये सब एक ही हैं, इनमें अपने आप में कोई किसी भी प्रकार का बिल्कुल भी अंतर नहीं। जो पुरुष नित्य प्रतिदिन भागवत जी का आधा या चौथाई श्लोक भी पढ़ता है उसे राजसी यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। आपसे बहुत ज्यादा नहीं आता तो एक श्लोक मैं आपको याद कराए देता हूं, उसे आप याद कर लें। और यदि श्लोक भागवत जी का रोज आप बोलोगे तो आपको रोज एक यज्ञ करने का फल प्राप्त होगा। बोलिए मेरे साथ, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः।
नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिनी नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रै सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः सत्यः व्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकां त्वां शरणं मैं हर रोज कथा को अपडेट करता हूं। प्रत्येक दिन मुझे ऐसा लगता है कुछ बढ़िया से बढ़िया आपको सुना। पुरानी बातें रटंतु बातें मुझे तो भाती नहीं है। पहले भी भागवत जी की कथा श्री गया जी की धरती पर हुई है। कथा तो भागवत की ही हुई है लेकिन उसका टेस्ट कुछ और रहा होगा। और आज 2024 में भागवत जी की कथा हो रही है इसका स्वाद अपने आप में और कुछ रहा होगा। कथा व्यथा को समाप्त करेगी तो कुछ श्लोक याद कर लीजिएगा भागवत जी के। आपके घर में भागवत है उसमें पढ़ लीजिए क्योंकि इसमें वर्णन है कि जिसके घर में श्रीमद् भागवत जी का आधा श्लोक पूरा श्लोक चौथाई श्लोक भी पढ़ा जाता है बोला जाता है वर्णन है उसे रोजाना अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होगा। वैसे तो अश्वमेध यज्ञ नहीं कर पाओगे तो ना धो करके एक श्लोक भगवान को सुना दोगे तो भगवान इससे खुश हो जाएंगे। सूरदास जी महाराज गोवर्धन नाथ को रोजाना पद सुनाते थे। ये गोवर्धन में एक पद लिखा गया है और वो आप सबसे आता है। कौन सा है? चरण कमल वंदो हरिराय जिनकी कृपा पंगु गिर लंघत अंधे को सब कछु दर्शाई चरण कमल वंदो हरिराय। यह पद श्री गोवर्धन गिरिराज जी में ऐसे एक आध लाख पद सूरदास जी ने लिखे। उसका परिणाम जानते हैं सूरदास जी का अंतिम संस्कार भगवान श्री कृष्ण ने किया। भगवान गोविंद चल करके आए सूरदास जी की अर्थी में आग लगाई। लेकिन तुम्हें तो भगवान की जरूरत ही नहीं तुम्हारा तो मोनू लगाएगा पपुआ लगाएगा पप्पू। इन बच्चों को छुट्टी भी नहीं मिलेगी नहीं पहुंचे। ऐसा जीवन जी लो हमारा सब कुछ भगवान ही कर दे इस दुनिया का क्या भरोसा। अभी तो आने वाला टाइम देखिए बहुत खतरे से भरा हुआ है। अभी तो थोड़ी बहुत धर्म की स्थिति जीवित है जिंदी है नहीं तो आने वाला समय बड़े खतरों से भरा हुआ है। पता ही नहीं लगेगा कि बच्चे पैदा कब हुए शादी कब हुई मम्मी पापा कब पधार गए। बच्चों को तो 3 साल के बाद पता चलेगा कि पापा तो लुढ़क गए मम्मी गई ऊपर। स्थिति ही ऐसी है देश का दौरा ही ऐसा चल रहा है हवा ही ऐसी चल रही है। जो बूढ़े माता पिता के साथ बहने रहती हैं उनको तो गांवड़ी माना जाता है आज के समय में। अरे तू भी कोई तेरी क्या जिंदगी है डुकरा डुकरी को पालने में लगी है। जो एक विशेष है वो अपने आप को बहुत विशेष मानती है वो ऐसा बोलती है। कंपनी के मित्र लोग कहते हैं अरे तू क्या पागल आदमी है जी जिंदगी बदल रही है तू अभी वही 50 साल पुरानी डीग हांक रहा है। लेकिन मैं तो कहूंगा वो लोग बड़े बड़भागी हैं जिनको माता पिता के संग रहने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है क्योंकि इनसे तो बड़ा कोई भगवान ही नहीं है। आज हम श्री गया जी में बैठे हैं तो माता पिता को याद करने की ही तो तिथियां हैं पूर्वजों को याद करने की ही तो ये तिथियां हैं। 16 दिन का ही श्राद्ध क्यों इसलिए भूखे प्यासे लोगों को जरूरतमंद लोगों को 16 ग्रास रोज खिलाइए। एक भी दिन बकाया ना निकले आनंद हो जाएगा। भगवान नारायण आपके घर को छोड़ के नहीं जाएगा। यत् फलम नास्ति तपसाना योगेन समाधिना अनायासेन तत् सर्वं सप्ताह श्रवणेन। क्या कहा योग तप में भी
उतना पुण्य फल नहीं है जितना कि 7 दिन श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनने मात्र से जितने फल की प्राप्ति हो जाती, इतना बड़ा इसका महात्म्य। और क्या लिखा, तुलसी पोषणम चैव धेनूनाम सेवनम समम उक्तम भागवतम नित्यम कृतम च हरिचिंतनम। नित्य भागवत का पाठ, भगवान का चिंतन करना, तुलसी को सींचना और गौ माता की सेवा करना, ये चारों के चारों काम कल्याण के परम साधन है। क्या क्या लिखा है, नित्य भागवत का पाठ करो, किताब अपने घर में रखो रोजाना, नंबर एक। नंबर दो, गुरुजी के द्वारा जो मंत्र मिला है उसका जप करो। नंबर तीन, तुलसी को एक लोटा पानी दो। एक बात मैं आपको निवेदन करूंगा, रविवार को तुलसी तोड़िए मत, ठीक है, रविवार को भी तुलसी मैया को एक लोटा पानी जरूर दीजिए, क्योंकि तुलसी को 365 दिन जल सींचा जाता है, एक भी दिन की अनुपस्थिति ना हो। सुन लो इस बात को ठीक से, दिखाएं प्रत्येक दिन तुलसी को सींचें और गौ माता की सेवा करें। ये चारों के चारों जो बातें हैं वो हमें नारायण के चरणों में ले जाकर के बैठा देती है। ये चारों काम नित्य के, मैं श्लोक बोल रहा हूँ, उक्तम भागवतम नित्यम कृतम च हरिचिंतनम तुलसी पोषणम चैव धेनूनाम सेवनम सम। नंबर एक, तुलसी पोषणम, तुलसी को प्रत्येक दिन जल दीजिए। नंबर दो, हरिचिंतनम, गुरुदेव से मंत्र मिला है, कम से कम एक माला का जप रोज कीजिए। नंबर तीन, तुलसी पोषणम चैव, तुलसी को जल दीजिए। और नंबर चार, धेनु नाम सेवनम, गौ माता की सेवा कीजिए, उसे रोटी दीजिए, उसे वंदन पूजन कीजिए। ये चारों चीजें हमारा कल्याण कर देती हैं, ऐसा भागवत जी में लिखा। और मुझे विश्वास है कि आप करेंगे, कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। किताब नहीं है, मोबाइल चालू करो, गोपी गीत रोज सुनो, कभी गर्भस्तुति सुनो। जो गर्भिणी नारी गर्भस्तुति सुनती है उसके गर्भ में बच्चा सुरक्षित रहता है। श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद के अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 26 से गर्भस्तुति आरंभ होती है। ये बड़े अद्भुत श्लोक है, इनका पाठ गर्भिणी नारी करे, उसका गर्भ में बच्चा भी सुरक्षित रहेगा और अद्भुत बच्चा जन्म लेगा। गर्भ में संतान है तो नारी को कुछ विशेष करना चाहिए, इसके द्वारा एक विलक्षण औलाद का जन्म होता है। तो चार बातें बताई जा रही हैं, भगवान व्यास ने लिखी हैं। तो भागवत जी का पाठ, गुरु मंत्र का जप, तुलसी में जल और गैया मैया को रोटी चनिया या हरा घास गुड़ जो भी आप कर सकते हैं सो, ये चार चीजें बताई। आ जन्म मात्रमपि येन सठेन किंचि चित्तं विदाय सुख शास्त्र कथान पीता चाण्डाल वच्च खरवद तेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाज। जिन्होंने पूरी जिंदगी अपनी ऐसे ही निकाल दी, किंचित मात्र भी भागवत का रसास्वादन नहीं किया, उसका जीवन तो चंडाल और खर गधे की तरह निकल गया है। भैया वह तो अपनी माता को प्रसव पीड़ा पहुंचाने के लिए ही पैदा हुआ है और कुछ नहीं है। मैया सुमित्रा कहती है, पुत्रवती जुवती जग सोई रघुवर भग तुजा सुसुत हो। पोत्रवती जुवती जग सोई रघुपति भग तुजा सुसुत हो। न तरुवांज भली बादी बिहानी, नहीं तो व्यानी शब्द जो पशुओं के लिए लिया जाता, इसलिए वही माताएं पुत्रवान हैं जिन माताओं ने भगवान के भक्त को पैदा किया है। और सच मानिए, आपकी संतान बढ़िया है तो चारों धाम आपके घर में है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सगरे तीर्थ आपके घर में है।
आपकी यदि औलाद बढ़िया, कुंती माता के चरित्र में हमने पढ़ा है, एक बार के लिए यहां तक कहा गया पति ना हो तो चिंता ना करना, क्या कहा, यदि पति बिगड़ गया है तो चिंता मत करना, यदि पुत्र बिगड़ गया है तो इससे ज्यादा और चिंता नहीं हो सकती। बहुत हल्के में इस बात को नहीं लीजिएगा। 6 महीने से एक विशेष बात कहता हुआ आ रहा हूं, बच्चों को बचाना चाहते हो तो अपनी रसोई को बचा लीजिए, परिवार को बचाना चाहते हो तो अपने चूल्हा को बचा लीजिए, जिसका चूल्हा चौका बिगड़ गया उसका सब कुछ बिगड़ जाएगा, उसका कुछ बचेगा ही नहीं। ऐसे संस्कार दीजिए कि ये मुर्गा नहीं खाएं, मछली ना खाएं, शराब ना पिएं, उल्टा पुल्टा ना करें, व्यभिचार ना करें, दुराचार ना करें, पराई स्त्रियों के ऊपर अपनी आंख गाड़ करके ना रखें। आज मेरी बहनें इस बात से बड़ी परेशान है क्योंकि मर्द लोग बिगड़ते हुए जा रहे हैं, यह बिल्कुल ठीक नहीं है। सगरे पुरुष नहीं है ऐसे, लेकिन फिर भी एक हवा चल रही है, बचा लो कैसे भी युवाओं को इस हवा से, पाश्चात की जो हवा चल रही है ये मार डालेगी है। हो मेहनत करके कमाते हैं, सब ऐसे ही लुटा देते हैं। इसी गरुण पुराण में लिखा है कि बजारू स्त्रियां कल्याण तो नहीं करेंगी, तुम्हारे प्राण और ले लेंगे। कल्याण तो वो नारी कर पाएगी जो 7 फेरे लेकर के आएगी, मंडप के नीचे उसके पिता ने कन्यादान किया है, उसके द्वारा कल्याण होगा, उसके द्वारा सदपुत्र पैदा होंगे। ये लड़कियां भगाकर, लड़के भागकर बच्चों को पैदा करते हैं, वो तो वर्ण संकरी औलाद है, क्या है वो तो कुछ नहीं है, वो तो वासना का तमूड़ा है, कुछ नहीं, बेकार है, वो तो पशुओं से भी गिरा हुआ जीवन। हमारी संस्कृति में तो गोत्र तक देखे जाते हैं, पूरी दुनिया में एक गोत्र का कोई है, पूरी दुनिया में यह हमारी बहन लगती है, हमारी बुआ लगती है, इसलिए तो एक गोत्र के साथ विवाह करना बहुत बड़ा जघन्य अपराध बताया गया, ग्रंथ में कहा गया। पूरी दुनिया की बात कही है, जो सगोत्री है, या हमारी बहन है या हमारी बुआ है, जो कुकर्मी गलत करने में लगे हुए हैं, सब कुछ यह लोक और परलोक बिगाड़ लिया है, बात बहुत तगड़ी तगड़ी कर दी। मैं तो कहूंगा देश के सभी साधुओं को इसके ऊपर बहुत आगे चल के आना चाहिए, और समाज को वो एक राह दे, उन्हें वो बताएं कि जो आज ये खच्चर पना हो रहा है, जिससे भारत की संस्कृति धिल मिला रही है, सब चौपट हो रहा है, ये बहुत बुरा हो रहा है। जिनकी बेटियां बाहर पढ़ने को गई हैं, बेटियों को नहीं पता है कि उनके माता पिता तुम्हारे लिए कितने चिंतित हैं। हमने तो पढ़ा है जो बेटी अपने कुमार धर्म को सुरक्षित रखकर पति की देहली पर पहुंचती है, सगरे देवता उस बहू को प्रणाम करने के लिए उस घर में उतर के आते, ऐसा ब्रह्म पुराण में लिखा। इतने ग्रंथ पढ़ करके तो जीवन इतना आनंद से भर गया। ये बात छोटी नहीं, बहुत बड़ी बात है। जो कन्या है उसे कन्या ही तो कहते हैं जिसका कौमार्य धर्म सुरक्षित है, और ऐसी बेटियां माता पिता के ऋण से मुक्त हो जाती हैं, जो अपने कुमार धर्म को सुरक्षित लेती हुई पति की देहली पर जाकर के पहुंचती। कितनी बड़ी बात कही है, सगरे देवता उस कन्या को प्रणाम करने के लिए आते हैं, उसे बंधन करने के लिए आते हैं, उसको जिसने अपनी पति की देहली पर पांव रखा और अपने कुमार धर्म को सुरक्षित लेकर के पहुंची। आज का समय बड़े खतरों से, हो सकता है मेरी बात कही जा रही है सुनने में ठीक ना लगे, लेकिन कड़वी कुनेन मलेरिया को जड़ से खत्म करती है। पाप बहुत हैं, लेकिन ये 5 पाप नहीं है, महापाप हैं, जिनकी जिक्र आज मैंने की। तो इस औलाद को बचा लो, आपने बच्चों को बाहर भेजा है ये गुनाह नहीं है, लेकिन बाहर पहुंचकर बच्चे हाथ मुट्ठी से बाहर हो गए। लेकिन ज्यादातर ऐसे जिनके बच्चे बाहर गए हैं वो शादियां अपने मन मुताबिक करते हैं, बच्चों को बाहर भेज करके तो समझ लो कि एक अधिकार आपने अपना खो दिया। तो कौन सा अधिकार था? पाड़ी ग्रहण का अधिकार था, खो दिया उसको। जिस दिन बच्चों को बाहर भेजते हो तो कहो बेटा एक वचन दे करके जाओ,
आदि शंकराचार्य भगवान जब सन्यासी बनने के लिए जा रहे थे तो उनकी बूढ़ी माता रो पड़ी थी, एक ही तो बेटा था। गंगा दशहरे का दिन था, शंकर ने मन में विचार किया कि माँ तो जाने नहीं देगी, अब मैं करूं तो करूं क्या। सो गंगा दशहरा निलाने के लिए 8 साल का बच्चा अपनी माँ को लेकर गंगा के घाट पहुंचा। साउथ की दक्षिण की बात है, बालक अंदर पानी में गहरा कूद गया और धर चिल्लाया, कहा माँ मुझे मगर ने पकड़ लिया, माँ मैं मरा। मैया बहुत रोई, हे शंकर हे परमात्मा मेरे बच्चे को सुरक्षित रख। 8 साल का बच्चा था, सिद्धियां आ गई थी पास में। शंकर ने एक दूसरा भेष बनाकर पानी के अंदर से आवाज लगाई, कहा हे देवी यदि तू अपने बेटे को सन्यासी बनाने के लिए आज्ञा दे दे तो ये काल तेरे बच्चे को छोड़ देगा। दूसरे रूप में वही बोल गए नीचे पानी में से। मैया की आंख में आंसू आ गए और कहती है मैं अनुमति तो दे दूंगी, मैं बूढ़ी हूं शंकर, बेटा एक वायदा करके जाओ, जब मेरी मृत्यु हो तो मेरी अर्थी में आग लगाने के लिए बेटा तू कहीं भी हो, तुझे सूचना मिले तो मेरी अर्थी में अग्नि संस्कार करने के लिए जरूर आना। एक माता पिता यह चाहते हैं कि उनका अंतिम संस्कार उनके बेटे के हाथ से मुखाग्नि दी जाए। शंकर ने वायदा किया, फिर तो वो आदि शंकराचार्य बने। जब उनको सूचना मिली हमारी माँ का शरीर छूट गया, सन्यासी थे वो, और जब अग्नि संस्कार करने के लिए आए तो गांव के लोगों ने विरोध किया, शमशान घाटों पर हड़ताल हो गई। हम अग्नि चिता नहीं देने देंगे क्योंकि सन्यासी को अधिकार नहीं है। शंकर ने कहा कोई बात नहीं, चिता तुम्हारी तो देहली हमारी। उन्होंने अपने घर की प्रमुख देहली पर अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर दिया। उस गांव में आज भी जितने भी मुर्दे फूके जाते हैं घर की परम को देह ली पर आज शंकराचार्य के द्वारा एक रीति बन के तैयार हुई। मां ने मुंह से मांगा था उसको निभाया। आप भी बच्चों से मांगना, जब पढ़ने के लिए बाहर जाए तब कहना बेटा हमने तुम्हें बड़ी व्यवस्थाओं में बड़ी परेशानियों में पाल पोस करके बड़ा किया है, बस हमें एक वचन दे करके जाओ कि तुम्हारे विवाह का अधिकार है वो हमारे हाथ से न छीना जाए। ये काम तो हमें करना है, बच्चों के विवाह पर मित्रों को बुला करके उनका आदर करके एक मित्र अपने मित्र के ऋण से मुक्त हो जाता है। बच्चों के विवाह को एक यज्ञ रूप दिया गया है। एक बात आपके बीच में बोल रहा हूं, मित्र के ऋण से वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है जिसने अपने बच्चों के विवाह में अपने मित्र को बुलाया है। जब वो आता है तब आप उस मित्र के ऋण से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि वर्तमान समय में बच्चों का विवाह करने का सौभाग्य माता पिता को मिल नहीं रहा है। ये तो सब जबरदस्ती वाली बातें हो गई हैं, वो कोई बातें थी, चार चार गोत्र मिलाए जाते थे, इतना आनंद होता था। माता पिता की राजी से जो विवाह होता उसका तो अपने आप में कुछ आनंद ही अलग है। ये संस्कार आप नहीं देंगे तो कौन देगा। नाम मात्र के लिए माता पिता ना बनिए, रोज बच्चों से बात कीजिए, उनके हालचाल पूछिए, बच्चों को ये कहिए बेटा हमें एक बात की चिंता होती है, बस वो ये है कि तू गलत रास्ते पर ना चला जाए। हमारी नाक का ध्यान रखना, हमारी इज्जत का ध्यान रखना, बेटों से भी ज्यादा बेटियों को ये जरूर समझाना, दुनिया की हर बेटी अपने धर्म को बचा करके खड़ी रहेगी तो ये लड़के गिरने से बच जाएंगे। इनकी औकात नहीं है कि तुम्हें टेढ़ी आंख से देख ले। हर बेटी अपने आप में सजग खड़ी है, इनकी एक नहीं चलेगी, ये तुम्हारी तरफ आंख उठा के नहीं देख सकती। इनकी भी दाल वहां गल जाती है जहां बेटियां अपने आप को ढीला छोड़ देती हैं, राजी हो जाती है इनके शिकंजे में फंसने के लिए। हमारे ग्रंथों ने इसका बहुत बड़ा विरोध किया है। आजकल तो बेटियां मम्मी पापा से बोल देती हैं, कहती हैं तुम दिक्कत मत उठाओ हमने लड़का देख लिया और हम शादी यहीं करेंगे। इस मुंह में से आंबा निकल कैसे जाती है। नहीं तो पहले शादियों की बेटियों की शादी की जिक्र चलती थी तो बेटियां अंदर के कमरे में फूट फूट के रोती थी, आंखें सूज जाती रो रो के, आपकी भी सूजी होंगी। शादी का नाम सुना तो अन्न छूट जाता था,
अब हम चली पराए घर। बेटी चली पराए देश, आंख में आंसू होते थे, रोती थी, आ तो कान लगा, पापा और बताओ घर कैसा है, सास कैसी है, देवरा कैसा है, जेठानी से तुमने बात करी थी, ऐसी बातें पूछती। पापा वो बगल में वो संजू अंकल है ना, उन्होंने मोहिनी जीजी के विवाह में 14 लाख रुपए की कार दी है, तो पापा आप हमें क्या दोगे? ऐसा मुंह खोल करके बेटियां बोल देती आज के टाइम। पिता देखता रह जाता, ये तो सब घटनाएं मेरे आगे घटी हैं, मैंने देखा है, ये सुनी सुनाई बात थोड़ी है। हम जैसे लोगों को तो आश्चर्य होता है, अचंभा होता है। अपनी संस्कृति को बचा करके रखिए। आ जन्म मात्रमपीन सठेन किंची चित्तम विदाय सुख शास्त्र कथान पीता चांडाल वच्च खरवदतेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाग। घड़ी का कांटा 3:49:50 पर पहुंच रहा है, 4 बजे कथा का लाइव टेलीकास्ट कटअप होगा। आप जहां से भी जहां सुन रहे हैं शीघ्र ही तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर जुड़कर आज की कथा को पूरा सुनिए। ऐसे पितर प्रसन्न हो जाएंगे, बहुत आनंद हो जाएगा, बहुत आनंद होगा। मैं एक बार पुनः उन पूर्वजों को प्रणाम करता हूं जिनकी आतिथियां हैं पूरे देश में कहीं भी, और आज के अनुष्ठान से वो निश्चित रूप से वो संतुष्ट होंगे। हम तो यहां श्री गया जी की धरती पर आए इसलिए पुरखों को तृप्ति मिले, और उस श्राद्ध के जितने नियम हैं, तर्पण के जितने नियम हैं, वो सब यहां से उन्हें पूरा किया जा रहा है। एक बार पिंडदान करने के तत्पश्चात चौथी पीढ़ी में पिंडदान होता है, उससे पहले नहीं होता। पिता ने किया है तो ना पुत्रों को जरूरत है, ना पुत्रों के पुत्रों को जरूरत है करने की, पर उससे आगे की जो पीढ़ियां है वो करती है। ऐसा नहीं है एक बार पापा करके आ गए हैं पिंडदान तो 500 पीढ़ियों को कोई जरूरत नहीं है, चौथी पीढ़ी से ये फिर आरंभ हो जाता है, ऐसा वर्णन है ग्रंथ में। बड़ी अद्भुत महिमा है इसकी। बोलबांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। आज का दिन बड़ा मांगलिक है, द्वितीया का श्राद्ध है, हमने यहां से संकल्प किया है, और मुझे बड़ा आनंद आया जब पीतल के 5 बर्तनों का जब यहां से संकल्प हुआ, पहली बार हुआ है। आ तो रहे हैं 2011 से, लेकिन बस ऐसी भगवान की कृपा हो गई है, और यह भी करने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। मैं बड़ा खुश हूं क्योंकि 10 ब्राह्मणों के लिए 5 बर्तन का संकल्प करने का सौभाग्य मौका मुझे भी मिल गया है, और हमने भी संस्था का पैसा उधार नहीं रखा, 6,161 रुपया जमा कर दिया है। कल हमने यहां से अनाउंस किया था 5 बर्तनों के लिए सहयोग राशि 1,250 रुपया। मेरे पास वो बड़ी बड़ी थाल और कटोरा आए थे, मेरे पास मैसेज पड़ा है, उसकी कीमत 1,240 रुपया थी, लेकिन वो कुछ गुने चुने 23-24 ही सेट मिल पा रहे थे, तो वो संभवतः उसकी पूर्ति हो नहीं पा रही थी, और मैंने सोचा कि शायद वही आए होंगे। जब मैं यहां से गया तो मुझे कुछ लगा कि बर्तन 1,240 जैसे मुझे लग नहीं रहे हैं, तो कमरे में जाके मैंने फोन किया जो लोग गए थे लेने के लिए, मैंने कहा ये सब चीज कितने रुपए की कैसे आई? तो उन्होंने कहा महाराज जी दुकानदार आपका भगत है, आश्रम से जुड़ा हुआ है, उसने 1 रुपया भी कमाई का लिया नहीं है, कुछ और अपना छोड़ दिया है, सब निकाल निकुल करके 610 रुपए के पूरे 5 बर्तन पड़े हैं, पूरे के पूरे। मैंने तत्काल यहां से सबसे पहला काम यही किया श्राद्ध से पहले आने का, मैंने कहा जिन्होंने 700 रुपया दिया है तो मैं संकल्प करा रहा हूँ, 40 रुपया तो तुम्हें अब लौटाएंगे नहीं, कितना 90 रुपया तो अब लौटाएंगे नहीं, 610 रुपए का ये आया है, तो 700 रुपया आपसे लिया है, पहले आपका एक पात्र ही दान में जा रहा था, अब 700 रुपए में 5 बर्तन 5 पात्र का संकल्प हमने करा दिया। जिन्होंने 1,250 रुपए का सहयोग किया है उनका 2 ब्राह्मणों के लिए यानी 10 बर्तनों का संकल्प करा दिया, जिन्होंने 10 ब्राह्मणों के लिए 5-5 बर्तन दिए हैं उनको 6,100 रुपए का संकल्प कराया है, जिन्होंने 5 ब्राह्मणों को 5-5 बर्तन दिए हैं उनके लिए 3,100 रुपए का उनका संकल्प करा दिया है। इतनी गुदगुदी हो रही है क्योंकि मैंने तो पढ़ लिया है ना पीतल के पात्रों में ब्राह्मण को भोजन कराने की महिमा,
जानकारी नहीं थी तो शुरुआत में हम भी स्टील में जमाते रहे, पता ही नहीं था। लेकिन ग्रंथ ने जब उसका विरोध किया, देखो मैं आपको कोई बात कहूं, वो सबसे पहले तो उसके ऊपर हम खुद चलना आरंभ कर देते हैं। कुछ सालों से यहाँ पीतल के बर्तनों में ही ब्राह्मण भोजन कर रहे हैं, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आनंद की बात यह है कि अमावस्या के दिन ये पात्र बर्तन सब ब्राह्मणों को ही दे दिए जाएंगे, इसका एक बहुत बड़ा पुण्य आपकी झोली में जाएगा। जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, यहाँ बहुत बड़ी संख्या है ब्राह्मणों की, आप भी इसमें जुड़ जाइए। एक ब्राह्मण के लिए 5 बर्तन, छोटी सी 87 रुपया, 2 के लिए 1250 रुपया, 5 के लिए 3100 रुपया, 10 ब्राह्मणों के लिए 6100 रुपये का सहयोग। श्री रमेश दत्ता जी आपकी कॉल आई है और वो काम हमने करा दिया है। श्री लक्ष्मी नारायण जी अग्रवाल जी और आपकी तरफ से बहुत सहयोग हर अनुष्ठान में मिलता है, इस अनुष्ठान में भी आपकी 2 पोतियां भी बैठी हैं और भंडारा तो है ही, बहुत बड़ा योगदान है आपका, तो इस योगदान में आप सब जुड़िएगा। और एक बात मैं निवेदन करूँगा, यदि आपके पास यदि कोई लोड नहीं पड़ता है तो एक श्राद्ध गया जी की धरती पर प्रत्येक दिन करेंगे।